रहीम हरदिल अज़ीज़ DIG जेल जनाब मोहम्मद नासिर खान साहब हमारे सरपरस्त आज के प्रोग्राम के और सब जो जो सुन रहे हैं सामेन जो जो पूरी दुनिया में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी सुन रहे हैं, इस वक्त हम पाकिस्तान के सबसे बड़े जेल सेंट्रल जेल में मौजूद हैं और जस्टिस हेल्पलाइन का 21वां सालाना ईद मिलन की तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज़ हो रहा है। हम दिल की गहराइयों से IG जेल खाना जात ख़ास तौर पर हमारे DIG जेल जनाब मोहम्मद नासिर खान साहब और DIG जेल मोहतरमा शीबा शाह साहिबा के शुक्रगुजार हैं कि जो हर साल हमारे साथ ये ईद मिलन पार्टी का के इस तकरीब में हमें सपोर्ट भी करते हैं और आजकल जो सिक्योरिटी के हालात चल रहे हैं उसके पेश नज़र तकरीब को बहुत सादा मगर पुरवकार बनाने में हमारी जेल की इंतज़ामिया ने हमें बहुत सपोर्ट की है। हम पाकिस्तान के मारूफ सनतकार पाकिस्तान के लीजेंड फैमिली दीवान यूसुफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऑनर का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने लाइफ कुर्बानी का एहतमाम किया है। पहली बार DIG साहब ने हमें इजाज़त दी है और हमने उसके मुताबिक फ्रेश जो ईद कुर्बान का गोश्त है उसकी स्पेशल कैदियों की दरख्वास्त पे कि भाई इनको एक अच्छी बिरयानी अच्छे कौरमे और साथ साथ वो लोग जो गोश्त नहीं खा सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ अकलियतों के लोग भी हैं तो DIG साहब ने इंस्ट्रक्शन की थी कि आप उनके लिए चिकन कौरमा इस तरह की आइटम, लेकिन उसके साथ साथ मिस्टर माइकल एडवोकेट साहब की ख्वाहिश थी, हमारे बोरा कम्युनिटी के मंसूर जैक साहब की बड़ी वो थी कि भाई हमारी तरफ से भी इसमें हिस्सा होना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि आज का दिन मैंगो के फेस्टिवल के तौर पर भी होना चाहिए, तो सिंधड़ी आम के भी खूबसूरत तोहफे और इससे पहले DIG साहब की क़यादत में वो कैदी जिनकी सज़ाएँ तख़फ़ीफ़ की गई, असल प्रोजेक्ट जो हमारा है वो जेल में कैदियों की बाइज्जत रहाई और वो कैदी जिनके मामूली जराइम है या वो कैदी जिनका जुर्म साबित ना हो सका तो उस पर DIG साहब हमारे हरदिल अज़ीज़ जस्टिस अथॉरिटी के सरबराह डॉक्टर रहीम अवान साहब और जो प्राइम मिनिस्टर साहब की हदायत पर एक जस्टिस अथॉरिटी बनी है उसके सिंध के फोकल पर्सन भी हैं। अब तक सैकड़ों कैदियों की रिहाई सर और जस्टिस हेल्पलाइन की तौर पर हमने यहाँ पर लोगों के जुर्माने लोगों के मसाइल के ऊपर जो कमेटी बनी हुई है वो अपना काम कर रही है। मैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की ट्रेनिंग वुमेन की सरबराह मोहतरमा सिदरा जावेद साहिबा का शुक्रगुजार हूँ। मैं मोहतरमा सीमा शहबाज जो कि यहाँ मेडिकल कैंप्स के प्रोजेक्ट करना चाह रही हैं कर भी चुकी हैं और भी इनके पास बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आफ्टर ईद हम बाज़ाब्ता ऐलान कर रहे हैं। मैं आज 3 दिन से हमारे साथ जो काम कर रहे हैं हारिस अमीन भट्टी साहब जो मुसलसल कुर्बानी का जानवर गोश्त और जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन कैटरिंग और साथ साथ खाने का इंतज़ाम, मैं हारिस भाई मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। हमारे हरदिल अज़ीज़ लीडर लेबर हमारे लेबर कवानीन के पाकिस्तान के एक्सपर्ट जनाब सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह साहब, हमारे मसीह रहनुमा मिस्टर माइकल एडवोकेट साहब जो कि हर दुख सुख के साथी हैं जस्टिस हेल्पलाइन के, आज बड़ी मसरूफियत के बावजूद आपने मलिक अवान साहब आपने टाइम निकाला, आमिर नवाज़ भड़ाई साहब और ख़ास तौर पर अलकादिर वेलफेयर के सरबरा और हाशिम नौरानी साहब और स्पेशली समद बुधानी साहब, जो जो लोग नहीं आ सके उनको भी मैं आज वेलकम करता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है इसके बाद के DIG साहब सबका एक शुक्रिया करके ताकि एक प्रोग्राम का बताबता आगाज़ करें। आज के दिन हमने ख्वातीन जेल बच्चा जेल में रखा है, आफ्टर ईद हमने सेंट्रल जेल में, उसके बाद फिर DIG साहब की सरबराही में मलीर जेल, फिर उसके साथ हैदराबाद और जितने जेल सिंध के अंदर हैं ऐसा ऐसा हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप सबको ईद मुबारक। मैं सब की इजाज़त से DIG नासिर खान साहब से कहूँगा कि वो इजहार ख्याल करें। जी आज ईद का दिन है, ईद का तीसरा दिन है और नदीम साहब ने जो जस्टिस हेल्पलाइन के हेड हैं चीफ हैं उन्होंने मुझसे राबता किया कि वो विमेन जेल और जुवेनाइन जेल पे कोई ईद का प्रोग्राम रखना चाहते हैं, उसमें कैदियों को बच्चे कैदी हैं फीमेल जो कैदी हैं उनको खाना तकसीम करें, तो मैंने उन्हें थोड़ा सा वैरायटी का बताया था कि भाई आप बिरयानी के साथ कौरमे का भी इंतज़ाम करें, तो उन्होंने
मेरी बात को तस्लीम किया और वो सारी चीज़ें यहाँ लाए हैं। और ये सारे हेड जो दीवान यूसुफ और जस्टिस हेल्पलाइन और जो हमारे लीगल एड कमेटी के सरबरान हैं, बौरी कम्युनिटी के जो हेड हैं, सब जितने भी यहाँ साहिबान तशरीफ़ लाएँ, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक कैदियों की खुशी में खुश होना एक बहुत बड़ी एक अच्छी बात है। कैदी देखें, वो जेल में बंद हैं, वुमेन जो जेल में बंद हैं, बच्चे जो जेल में बंद हैं, उनके साथ ईद गुजारना एक अच्छा इवेंट है। और ये चीज़ें जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर में काफ़ी हेल्प करेंगी। मैं आपको मज़ीद बताना चाहता हूँ कि सन 2019 में सिंध गवर्नमेंट ने अपना एक कानून जेल का जो जैसे जुनेल जिसे अपना हमारा जो जेल का कानून है वो पास किया, उसके तहत उसका जो नॉमिन क्लेचर है वो भी चेंज हो गया। अब जो भी जेलें हैं उसका नाम सेंट्रल जेल के बजाय वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कहलाती हैं। तो रिहैबिलिटेशन का यानी इसलाहगर का अगर नाम शामिल हो जाए तो इसका एक साइकोलॉजिकली एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि यहाँ कैदियों की इसलाह हो रही है। और हमने ऐसे कानून बनाए हैं कि कैदियों की सजाएं भी वो कम हों और जब वो जेल में रहें तो उनकी इसलाह भी होती रहे। तो वुमेन जेल पूरा एक इसलाही सेंटर है और पूरी पाकिस्तान से लोग यहाँ वुमेन जेल पे आते हैं, विज़िट होता है। वो जो भी मतलब यहाँ अंदर चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे ब्यूटिशियन का कोर्स है, कंप्यूटर्स का कोर्स है और जिम भी है अंदर, और बहुत सारे मुख्तलिफ कोर्सेज हैं जो कि हम कैदियों को करवा रहे हैं, वो उनकी इस्लाह में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जहाँ तक जस्टिस हेल्पलाइन का ताल्लुक है, उन्होंने भी काफ़ी प्रोग्राम्स जो हैं वो बाहर भी और जेलों के अंदर भी उन्होंने करवाए हैं और वो कैदियों की माफ़ी या उनके जो भी जुर्माने अदा करने हैं उसमें हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई। थैंक यू सो मच। जी, मैं जस्टिस हेल्पलाइन जो एक वो फलाही अदारा है और ख़ास तौर पे कानून और कानून साजी के हवाले से अपनी खिदमत अंजाम देता है। जेल भी हमारा एक अहम हिस्सा है और जेल में हम अपने शहर के लोगों के साथ मिल के काम करते हैं और जेल की इस्लाह में और जेल को एक मॉडर्न और एक रोल मॉडल बनाने के लिए जो हमारी जस्टिस हेल्पलाइन की खिदमत हैं वो हमेशा जारी रहेंगी। और जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनके लिए भी हमारा जो रोल है वो ये है कि हम उन लोगों को जो मुख्तलिफ जुर्मानों की वजह से या किसी नाहक की वजह से अंदर मौजूद होते हैं और उनको कोई सपोर्टर नहीं होता, तो हम उनकी आवाज़ भी होते हैं और हम उनकी आवाज़ को कोर्ट तक लेके जाते हैं और उनको वहाँ से रिलीज़ कराते हैं। ईद की खुशियों में हम अपने कैदी भाइयों को अपने साथ याद ना रखें ये जस्टिस हेल्पलाइन कभी कर नहीं सकती, क्योंकि मुसलसल कई सालों से हमारा ये पैगाम रहा है और हम हमेशा मोहब्बतें बांटते रहेंगे इस शहर में, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मोहब्बतों का शहर है, इसार और कुर्बानियों का शहर है। और हम इंतहाई मेहनत से इस मकाम की तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और इसका सब सराली परचम हमेशा लहराता रहे और कैद खानों में लोग कम से कम होते रहें और लोग एक बावकार ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार सकें। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नदीम शेख साहब का, हमारे सरपरस्त आला जस्टिस हेल्पलाइन सलीम माइकल साहब का, बार कौंसल का, शाह साहब का, हरिस अमीन भट्टी साहब का और इन मेरी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे उससे पहले नासिर खान साहब का कि उन्होंने ये मौका फराहम किया हमें कि हम इस दौर के अंदर जो नफसा नफसी का दौर चल रहा है, जो हालात जो कराची के, सिंध के और पाकिस्तान के, जो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लोगों को, गुरबत की सतह नीचे, उसमें उस कॉज को लेके, नोबल कॉज के, उन्होंने ये खाना कैदियों को पूछना, ये वो तबका है हमारे माशरे का जो बहुत ज़्यादा नीचे रहता है और इनको नहीं पूछा जाता कि यदि एक दफ़ा चले गए जेल में, वो मैं इनिशिएटिव लेने पे नदीम खान साहब का, नदीम साहब का और नासिर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका फराहम किया हमें कि हम उनकी थोड़ी सी दादरसी कर सकें, अपना पार्ट प्ले कर सकें। और हमारी कम्युनिटी की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे भी इस नाचीज़ को भी इस नोबल कॉज में मुझे शामिल किया। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम।
मैं हूँ शमसा जबीन जावेद अहमद और मैं जस्टिस हेल्पलाइन की वुमेन विंग कमेटी की मेंबर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं कम्युनिटी वेलफेयर के उसका मैं पार्ट रही हूँ हमेशा से। मैं और सीमा हम दोनों फेडरेशन से हैं और वुमेन एजुकेशन ट्रेनिंग कमेटी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमने हमेशा से कोशिश की है कि जिस तरह हम आम ख़वातीन को ट्रेनिंग्स देते हैं मुख्तलिफ हुनर सीखने में, तो जेल की ख़वातीन के लिए भी कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएँ जिससे जो आगे जाके जब भी वो ज़िंदगी में यहाँ से रिहा होंगी तो उनके लिए कोई मुनाफा पक्ष कारोबार कोई काम कर सकें, किसी की मोहताजी उनको नहीं हो। और मैं यहाँ देख के बहुत खुश हूँ कि ख़वातीन ने अपने हाथ से मोती टांके और बहुत सारे हुनर यहाँ पे पहले से ही सीखे जा रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ शिवा शाह साहिबा की और DIG जो हैं जी आपका नाम नासिर साहब नासिर खान साहब का कि उन्होंने बहुत अच्छा इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर का नाम दे दिया है। यानी यहाँ पे ये एक जेल नहीं है बल्कि यहाँ पे जो आता है वो कुछ ना कुछ यानी दूसरों के लिए नफा बख्श बन के जाता है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसको हुनर सिखाया जाता है, उसको पाकिस्तान के लिए एक बाइज़ शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें जस्टिस हेल्पलाइन के सरबरा नदीम शेख साहब और उनकी टीम मेंबर जो हैं सलीम माइकल साहब हैं और हारिस अमीन है और दूसरे जो अहबाब लेबर कम्यूनिटी से हैं बोरी कम्यूनिटी से हैं और दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज़, उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि कुर्बानी लंच और डिनर का एहतमाम किया है जो आम इंसान हम लोग अपने गरीब बहन भाइयों को तो बांटते हैं लेकिन इन बच्चों को वो खुशी देना उन औरतों को वो खुशी देना जो अपनी फैमिली के साथ खाने पीने का आता है वो ये लेके आए हैं यहाँ पे। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और खराज तहसीन पेश करती हूँ नदीम शेख साहब का कि उनकी मोटिवेशन से हम आज यहाँ पर इकट्ठे हैं ईद वाले दिन हम अपने अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के इन फैमिलीज़ के साथ अपने दिन स्पेंड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम अहबाब का शुक्रिया कि आपको पता है कि जस्टिस हेल्पलाइन की तो ये रिवायत रही है 21वां ये जेल ईद मिलन है क्योंकि इसके साथ साथ अब आप देखें ईद के तीनों रोज़ में जो है हमारे लोग तमाम माजूरों के सेंटर में ओल्ड होम्स में और अस्पतालों में बंद सेंटर में वहाँ मनाई गई और नदीम शेख साहब की खसूसी हिदायत पर कमिश्नर कराची ने इनको एक डिप्यूट किया था कि इस वक्त चूँकि अवामी नुमाइंदे भी आ चुके हैं तो अभी भी मैं कोफल ऑपरेशन से मैं भागते हुए आए हैं कि कोफल के लिए खसूसी तौर पर क्योंकि इस वक्त गर्मी इतनी ज़्यादा है अगर बर वक्त ये कार्रवाई या ऑपरेशन नहीं होगा तो उसके साथ साथ लोग बीमारियों में मुबतला होंगे और भी मामलात हैं। तो मैं कमिश्नर साहब का भी मशकूर हूँ खुसूसन नदीम शेख साहब को उन्होंने इस काम के लिए खुसूसी तौर पे मुकर्रर भी किया कि वो जेल के और माजूरों के और दीगर सेंटर्स और अस्पतालों और इसके साथ साथ ओल्ड होम्स के साथ साथ जेल का हमारा ये 21वां सालाना प्रोग्राम यानी 21 साल से जेल में ईद मिलन होती है ये जेल की ईद मिलन है। और इस सिलसिले में मैं मैडम शिवा शाह का शुरू में भी ताउन रहा है और नासिर खान साहब माशाल्लाह बड़ी जेंटलमैन पर्सनालिटी के आदमी हैं और इन्होंने जैसा कि जस्टिस ला 30 ने जेल को इस्लाह खानों में तब्दील किया था और उस पर जिस तरीके से अमल हो रहा है हमने गुज़श्ता साल भी यहाँ आकर देखा और रिमांड होम भी गए वहाँ भी हमने देखा तो माशाल्लाह कम से कम ये जेल का माहौल लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि ये एक इस्लाह का काम हो रहा है और इस्लाह खाने खुले हुए हैं। तो इन मामलात में ये है कि मैं जेल इंतज़ामिया का बड़ा मशकूर हूँ और कि उन्होंने जो है वो किया, इसके साथ साथ हमारी बहनों ने ईद का ये दिन हमारे साथ रखा, फिर हमारी ताजर बिरादरी से भी और हमारे बड़े अच्छे साथी हैं मंसूर जैक साहब हैं सलीम एकल साहब हैं हमारे अवान साहब हैं मतलब ये तमाम वो लोग हैं। और अगर मैं आरिस अमीन भट्टी का नाम ना लूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 99% काम इन्हीं का ही है कि हम लोग अपने कामों में लगे हुए थे और इन्होंने जो काम किया है 3 दिन से ये इसी काम में लगे हुए हैं। और सबसे पहली बात यह है कि इंसान अपने जो है मेहमानों का भी ख्याल नहीं रख सकता तो हम ये कैदियों के लिए जो उन्होंने खसूसी तौर पर ये देखा कि ये वहाँ मॉनिटरिंग भी कर रहे थे बावर्चियों के साथ लगे थे पहले कसाईयों के साथ लगे थे तो ये एक बड़ा एक अच्छा अमल है एक टीम वर्क है। इस टीम वर्क को जो है दुनिया तो अप्रिशिएट करती है लेकिन हम अपने साथियों को इसलिए अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी अगर खिदमात को ना सराहा जाए हर आदमी का अपना अपना काम है तो हर आदमी को ये सिर्फ हम काम ये करते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हमारी कोई मदद करे या वो करे हम सिर्फ अप्रिशिएशन के वो हैं। वो शायर भी कहता है ना कि नायाब सही अनमोल सही बेदाम धर्म बिक जाते हैं बस प्यार हमारी कीमतें मिल जाए तो हम बिक जाते हैं।